बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑपरेंड्स और ऑपरेटर के मजमुआ को कहते हैं तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए किन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी एक ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी और दूसरा ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी एक्सप्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फार्मूला एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है किसी भी फार्मूला की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम्पल जैसे ये सेवन प्लस टू है ये पूरा क्या है एक एक्सप्रेशन है याद रखें सेवन प्लस टू ये पूरा क्या लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें सेवन क्या है ये भी ऑपरेंड है और टू क्या है ये भी ऑपरेंड है ये जो प्लस का साइन है ये जो जमा की अलामत है यह क्या है ऑपरेटर है तो सेवन और टू क्या है ये ऑपरेंड है और प्लस का जो सिंबल है प्लस का साइन है ये ऑपरेटर है तो ऑपरेंड और ऑपरेटर के मजमुआ को क्या कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं तो यही बात यहां पर लिखी गई है सेवन और टू आर ऑपरेंड एंड प्लस साइन इज द ऑपरेटर इसी तरह एक और मैंने एक्सप्रेशन यहां पर लिखा हुआ ए प्लस सेवन मल्टीप्लाई एस क्यू आर टी और इस छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है नाइन पैरेंथीसिस में ये पूरा जो है ये क्या लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें अब ऑपरेंड क्या होंगे ए ऑपरेंड होगा सेवन ऑपरेंड होगा एस क्यू आर टी नाइन ये भी क्या होगा ऑपरेंड होगा और ऑपरेटर कौन से होंगे प्लस का साइन और मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है अलामत है ये क्या होंगे ऑपरेटर होंगे अब हमने ये पढ़ना है कि ऑपरेंड कितनी किस्म के ये जो ऑपरेंड है ऑपरेंड याद रख लेना ऑपरेंड में भी आ? कांस्टेंट कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल हो सकता है और फंक्शन हो सकता है जैसे ए जो है ये ऑपरेंड है वेरिएबल की शक्ल में यहां पर सेवन ऑपरेंड है कांस्टेंट की शक्ल में और स्क्वर्ट नाइन स्क्वायर रूट ये फंक्शन है एक ये एक मैंने फंक्शन की पहचान आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई थी अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अगर नहीं सुना है वाच नहीं किया है तो आप तरतीब के साथ उन लेक्चर्स को वाच करें ताकि इन लेक्चर्स की सी लैंग्वेज की आपको सही तरीके से समझ आ सके तो कोई भी लफ्ज उसके आगे पैरंथीसिस आ जाए यानी छोटी ब्रैकेट आ जाए वो क्या होता है एक फंक्शन होता है ये मैंने आपको निशानी पहले भी बताई थी तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें ए ऑपरेंड है वेरिएबल की शक्ल में सेवन ऑपरेंड है कांस्टेंट की शक्ल में एस क्यू आर टी नाइन ऑपरेंट है फंक्शन की शक्ल में तो ऑपरेंट जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है यही बात यहां पर बयान की गई है अब आ जाता है ऑपरेटर ऑपरेटर इज अ सिंबल ऑपरेटर एक अलामत होती है सिंबल होता है डेट परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन जो एक मखसूस किस्म का ऑपरेशन सरंजाम देता है परफॉर्म करता है जैसे प्लस का एक सिंबल है वो एडिशन का ऑपरेशन सरंजाम देता है माइनस का सिंबल है साइन है वो सब ट्रैक्शन मल्टीप्लाई इसी तरह स्टैरिक है कंप्यूटर में जो स्टैरिक है वो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है इसी तरह जो स्लैश है वो डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो ये क्या है ये ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के मखसूस किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अब हमारे पास ऑपरेटर इतनी तरह के हैं अरेथीमेटिक ऑपरेटर है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और ये फीसद नहीं है परसेंटेज ये रिमाइंडर है रिमाइंडर याद रखिएगा ये मैथ में परसेंटेज होता है सी प्लस प्लस में ये रिमाइंडर ऑपरेटर है इन अलामतों को हम इन सिंबल्स को अर्थीमेटिक ऑपरेटर कहते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर जैसे ये ग्रेटर देन है ये लेस देन है इसी तरह ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू और से देखिएगा इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू और ये जो डबल इक्वल लिखा हुआ है ये इक्वल टू ये इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है याद रखिएगा इक्वल टू इन तमाम सिंबल्स को रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट इनको हम बोलते हैं एंड ये डबल एंड ये बेसिकली एंड ही कहलाता है और ये आर और ये वाला सिंबल जो है नॉट तो ऑपरेटर्स हमारे पास तीन तरह के थे अरिथमेटिक ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर द ऑपरेटर डेट ऑपरेट ओनली वन ऑपरेंट ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंट पर अमल करे यहां पर ऑपरेंड एक होगा यानी ऐसे ऑपरेटर जो एक ऑपरेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उन्हें यूनरी ऑपरेटर कहेंगे जैसा कि यूनरी माइनस है जैसे ये पांच के साथ ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है ये पांच क्या है ये फाइव ये ऑपरेंड है इसके साथ ये माइनस का साइन ये ऑपरेटर तो ये माइनस का साइन एक ऑपरेंड के साथ आ रहा है तो इसको हम कहेंगे यूनरी माइनस या यूनरी ऑपरेटर इसी तरह ए प्लस प्लस ये जो प्लस प्लस है ये ऑपरेटर है इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसके साथ ये जो ए लिखा हुआ है ये ऑपरेंड है तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऑपरेंड पर अमल कर रहा है इसलिए हम इसे यूनरी ऑपरेटर कहेंगे इसी तरह ए माइनस माइनस ये जो माइनस माइनस है ये ऑपरेटर है इसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे इन इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये दिक्रीमेंट। इसके साथ कितनी रकमें आ रही हैं कितने नंबर या कितने ऑपरेंट आ रहे हैं एक ऑपरेंट आ रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे ये यूनरी ऑपरेटर तो ऐसी डेफिनेशन पर दोबारा से अगर आप गौर करें ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म करे उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं अब हम पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेटर द ऑपरेटर डेट ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंट ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंट पर ऑपरेशन करे उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं जितने भी रथीमेटिक ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं अगर आप गौर से देखेंगे ये येमेटिक ऑपरेटर्स ये हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये प्लस करने के लिए आपको कितनी नंबर्स की जरूरत पड़ेगी एट लीस्ट दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी इसी तरह माइनस करने के लिए आपको कितने नंबर्स की जरूरत कितने ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी एट लीस्ट दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यानी ये आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने तो दो नंबर्स मिनिमम चाहिए चाहिए यानी दो इसलिए इनको कहते हैं कि ये क्या करते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं इसी तरह ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज का ये भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं आगे हम पढ़ते हैं जैसे सेवन प्लस टू ये प्लस करने के लिए आपको सेवन और टू दोनों चीजें चाहिए तब जाकर प्लस का ऑपरेशन होगा तो प्लस जो है ये बाइनरी ऑपरेटर है सेवन ग्रेटर देन टू से हाथ बड़ा है दो से तो ये भी क्या है बाइनरी ऑपरेटर इसको भी दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी इसी तरह अब पढ़ते हैं रथीमेटिक एक्सप्रेशन क्या है सच एक्सप्रेशन इन विच रथीमैटिक ऑपरेटर इज इन्वॉल्व ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रथीमेटिक ऑपरेटर आ जाए उस एक्सप्रेशन को अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे जैसे कि ये मैंने a plus b minus c ये लिखा हुआ ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है इसमें क्या है a b c जो हैं ये ऑपरेंड्स हैं वेरिएबल की शक्ल में और प्लस और माइनस जो हैं ये ऑपरेटर हैं और ये प्लस और माइनस जो हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे इसी तरह 8 4 डिवाइडेड बाय टू एट फोर और टू क्या है ये ऑपरेंड है ठीक है और इसमें प्लस और डिवीजन ये जो अलामते हैं ये ये जो सिंबल्स हैं हैं ऑपरेटर और ये पूरा क्या है एक्सप्रेशन इन ऑपरेटर चौका ये प्लस और डिवीजन जो है ये अरेमेटिक ऑपरेटर है इन ऑपरेटर्स की वजह से ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये अरेमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा अब है लॉजिकल ऑपरेशन सच एक्सप्रेशन इन विच लॉजिकल ऑपरेटर इज इन्वॉल्व ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाए उन्हें लॉजिकल एक्सप्रेशन कहेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज लॉजिकल एक्सप्रेशन दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है कौन सी बराबर है कौन सी बराबर नहीं है ये दो वैल्यूज का कंपेरिजन किया जा रहा है रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स लॉजिकल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है एग्जाम्पल के तौर पर क्या है सेवन ग्रेटर देन टू ये क्या है एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है कैसे पता चला सेवन और टू क्या है ऑपरेंड और ये जो ग्रेटर का साइन है अलामत है ये लॉजिकल ऑपरेटर है इस ऑपरेटर की वजह से क्या है ये पूरा एक्सप्रेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा और इसका जवाब क्या है सेवन ग्रेटर देन टू इसका आंसर क्या आएगा ट्रू हकीकी जिंदगी में सात क्या होता है दो से बड़ा होता है इसलिए हम कहते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है टू इसी तरह ए इज लेस देन बी ए और बी क्या है ऑपरेंट हैं लेस देन जो है ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये इस पूरे एक्सप्रेशन को लॉजिकल एक्सप्रेशन कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर देर स्टूडेंट्स यहां याद रखना ये जो इक्वल साइन है ये इक्वल साइन सी प्लस प्लस में असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है याद रखना है आपने इस बात को असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल इस ऑपरेटर का काम क्या है एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कराता है एक वैल्यू दे देता है इक्वल साइन इन सी प्लस 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 लैंग्वेज इज यूज एज असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने ये लिखा हुआ वेरियल वेरिएबल ये जो इक्वल साइन है यहां पर आपने गौर से देखना है ये जो इक्वल साइन है इसकी हमेशा लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल होगा और कुछ नहीं आ सकता सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल और इस इक्वल साइन की जो राइट right साइड है इस राइट right साइड पर कॉन्स्टेंट भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है फंक्शन भी हो सकता है एक्सप्रेशन भी हो सकता है और एक बात और याद रखें ये जो इक्वल साइन है यानी असाइनमेंट ऑपरेटर इसी इक्वल साइन को कहते हैं इसकी जो लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू होती है उसे एल वैल्यू कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू और इसकी जो राइट right पर जो वैल्यू होती है उसे आर वैल्यू कहते हैं राइट हैंड साइड वैल्यू अब जैसे मैंने ये लिखा है ए इज इक्वल टू साइन गौर करें ये इक्वल साइन की लेफ्ट साइड पर क्या है ए ए क्या है वेरिएबल और इसकी राइट right साइड पर क्या है कॉन्स्टेंट क्या हम इसको उल्ट करके लिख सकते हैं सेवन इज इक्वल टू ए हम ये काम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में ये इसलिए नहीं कर सकते ये मैथ में तो लिख सकते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में ऐसे आप हाँ नहीं लिख सकते असाइनमेंट ऑपरेटर का असूल क्या होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के प्रोग्राम में इसकी लेफ्ट साइड पर यहां पर सेवन की जगह वेरिएबल होना जरूरी है तो याद रखें इसकी जो एल वैल्यू होगी यानी इसकी लेफ्ट साइड पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए इसी तरह ए इज इक्वल टू बी क्या ये आपने ठीक लिखा है इक्वेशन जी हाँ बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसकी लेफ्ट पर क्या है वेरिएबल बी इज इक्वल टू है ये भी ठीक है क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड पर क्या है बी और बी क्या है वेरिएबल और ए भी क्या है वेरिएबल अब ए इज इक्वल टू एस क्यू आर टी नाइन यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड पर क्या है ए ए क्या है वेरिएबल राइट साइड पर क्या है फंक्शन लेकिन यहां C प्लस प्लस के प्रोग्राम में आप ऐसे नहीं लिख सकते इक्वल साइन की लेफ्ट साइड पर क्या होना चाहिए फंक्शन नहीं होना चाहिए सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए पर right पर ये पूरा X, A plus B क्या है expression है किसकी right पर equal sign की और लेफ्ट क्या होना चाहिए सिर्फ वेरिएबल आप ऐसा नहीं लिख सकते ए प्लस बी इज इक्वल टू सी मैथ में तो आप ऐसे लिख सकते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में आप ऐसे नहीं लिख सकते तो याद याद रखें ये जो इक्वल साइन है इसकी राइट right साइड पर सेवन है कांस्टेंट आ सकता है इसकी राइट right साइड पर वेरिएबल आ सकता है इसकी राइट right साइड पर फंक्शन आ सकता है इसकी राइट right साइड पर जो है वो एक्सप्रेशन आ सकता है ए प्लस बी एक्सप्रेशन है लेकिन इसकी लेफ्ट साइड पर इक्वल साइन की सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में याद रखना है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो सकता है इसी तरह कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर जिसके साथ एक से ज्यादा ऑपरेटर आ जाए जैसे ये एक, एक आपने इक्वेशन मैंने लिखी हुई है a इज इक्वल टू ए प्लस सेवन एक स्टूडेंट एक बात पर गौर करना है ये जो इक्वल साइन है इसकी लेफ्ट पर क्या है a वेरिएबल और इसकी राइट right पर क्या है ये भी a वेरिएबल ऐसी सिचुएशन में जब इसके बिल्कुल दोनों लेफ्ट और राइट पर सेम वेरिएबल एक जैसा वेरिएबल हो तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ये प्लस ये इक्वल साइन और इस प्लस को इकट्ठा कर लेते हैं इस इक्वल साइन को यहां से और इस प्लस को यहां से इकट्ठा करके लिख देते हैं और इस ए को एक दफा इसी तरह बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई फोर और करें ये इक्वल साइन की लेफ्ट पर क्या है बी इसकी राइट right पर क्या है बी इसके दोनों साइड पर एक जैसा अगर डिफरेंट वेरिएबल होगा तब ऐसे नहीं कर सकते तो आपने ये जहन में रखना है तो बी ये इक्वल साइन और डिवाइड को इकट्ठा करके ले इक्वल साइन और ये डिवीजन की अलामत क्या कर दी है यानी ये दो ऑपरेटर इकट्ठे कर दिए कंपाउंड ऑपरेटर बना दिए बी इज इक्वल टू डिवाइडेड फोर अब ये पूरी इक्वेशन और ये पूरी इक्वेशन ये सेम एक ही चीज है यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी तरह C इक्वल स्टैरिक फाइव उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके अपने तमाम दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करें और प्रीवियस लेक्चर को लाजमी आप वाच करें तरतीब के साथ ताकि आप इस लैंग्वेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज